हेलो फ्रेंड्स, जीएसएम हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पास है सैमसंग A22 5G मॉडल है और इसमें एंड्रॉयड 11 वर्जन है। तो हम FRP अनलॉक करेंगे SP फ्लैश टूल की मदद से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉब्लम क्या आ रहा है। स्किप पे क्लिक करते हैं तो आगे नहीं जाता। FRP अनलॉक के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी स्कैटर फाइल, SP फ्लैश टूल ज़रूरत पड़ेगी, लिब USB ड्राइवर ज़रूरत पड़ेगी, MT की ऑल इन वन DA फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, बाईपास टूल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम स्कैटर फाइल और बाईपास टूल ओपन कर लेते हैं। तो हम SP फ्लैश टूल ओपन करके फाइल को लोड कर लेते हैं। उसके बाद डाउनलोड एजेंट बटन पे आपको क्लिक करना है और डाउनलोड FRP फोल्डर में जो DA फाइल है उसको सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे एरर बता रहा है। तो बहुत सर्च के बाद ये टूल्स मिला है, इस टूल्स में काम करेगा। तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे से आपको ये टूल्स मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। टूल्स डाउनलोड हो गया है और ओपन कर लेते हैं और फाइल को फिर से लोड करते हैं और चेक करते हैं ये टूल्स काम कर रहा है या नहीं। हाँ, ये टूल्स काम कर रहा है। अब स्कैटर फाइल को भी हम सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। हो गया। फॉर्मेट पे टिक करना है, मैनुअल फॉर्मेट पे टिक करना है आपको। तो यहाँ पे जो कोड है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। डिवाइस मैनेजर पे हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद फोन को स्विच ऑफ कर लेते हैं। डिसेबल ऑथ पे क्लिक करना है आपको। वॉल्यूम अप बटन, डाउन बटन दबा के USB केबल को लगा देना है। MT के सिक्योर बाईपास हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टूल्स में। उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। हो गया डन। फोन चालू करके हम चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे FRP लॉक अनलॉक हो गया है। ऐसे ही ट्विटर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल GSM हेल्पफुल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।